रुचिरा तृतीयो भागः अष्टम वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम् प्रवाचकः पाठकोपनाम राजीव नयनः। तृतीयः पाठः डीजी भारतम्। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। कालपरिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते। प्राचीनकाले ज्ञानस्य आदानप्रदानं मौखिकम् आसीत्। विद्या च श्रुतिपरम्परया गृह्यते स्म। अनन्तरं तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखनकार्यम् आरब्धम्। परिवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। टङ्कणयन्त्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टङ्किता सति बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। वैज्ञानिक प्रवृद्धेः प्रगतियात्रा पुनरपि अग्रे गता। अद्य सर्वाणि कार्याणि सङ्गणकनामकेन यन्त्रेण साधितानि भवन्ति। समाचारपत्राणि पुस्तकानि च कम्प्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षाः कर्तयन्ते स्म। परं सङ्गणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान् उपकारो भविष्यति। अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थं रूप्यकाणाम् अनिवार्यता नास्ति। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि सङ्गणकयन्त्रेण सम्पाद्यन्ते। बहुविधाः अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयानयात्रापत्रस्य वायुयानयात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि सन्दर्श्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनन्दं गृह्णीमः। चिकित्सालयेऽपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकताद्य नानुभूयते। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। तद्दिनं नाति दूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रम् आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। पठनार्थं पुस्तकानां समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्तप्राया भविष्यति। लेखनार्थं
अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थं शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थं मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। एतत् सर्वं एकेनैव यन्त्रेण कर्तुं शक्यते। शाकादिक्रयार्थं फलक्रयार्थं विश्रामगृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चलदूरभाषयन्त्रमेव अलम्। डिजि भारतम् इति अस्यां दिशि वयं भारतीयाः द्रुतगत्याः अग्रेसरामः। शब्दार्थाः: जिज्ञासा, जानने की इच्छा। उत्पद्यते, उत्पन्न होता है, होती है। परिवर्तनी काले, परिवर्तन के समय। अनंतरम, बाद में। कर्गदस्य, कागज का। प्रविधि ही, तकनीक, विधि। चल दूरभाष यंत्रम, मोबाइल फोन। रेल यान यात्रा पत्रम, रेल टिकट। वायुयान यात्रा पत्रम, हवाई जहाज का टिकट। सौकर्येण, आसानी से, सुगमता से। संदर्श्य, दिखलाकर। चिकित्सालय, अस्पताल। वस्त्र पुटके, जेब में। द्रुतगत्या, तीव्र गति से। शुल्कम, फीस।